अमन भाई गार्ड बना लो उधर। अठारह के हो गए? कब का? जवान हो गए। अच्छा लो मोबाइल लिंक, आधार लिंक है ना इसमें, मोबाइल नंबर लिंक है आधार में? है था लेकिन है था नहीं, बंद हो गया वो। बंद हो गया? पैन कार्ड तुम्हें चाहिए होगा? एक घंटे के अंदर मुझे चाहिए, काम करवाना है। ओटीपी आता है भैया, क्या तुम्हें चाहिए? एक घंटे नहीं पता, करके दीजिए आप, क्योंकि मुझे जाना है, जल्दी आज निकलना है। अच्छा तुम्हें अंगूठे थे बनवा देंगे ना? पैन कार्ड तो होगी ना आपके पास? जुआड़े तो सब हैं, तुम्हें पैन कार्ड चाहिए घंटे भर में? अंगूठे वाला पैन कार्ड तुम्हें चाहिए? चलो बता रहे कैसे। जब सेवा केंद्र का काम तो आप कर रही हैं, तभी मेरा वीडियो देख रहे हैं, और एक दिक्कत तो उसके पास आती है कि मोबाइल नंबर लिंक नहीं है आधार कार्ड में, पर पैन कार्ड चाहिए एक घंटे में। तो इसका तरीका भाई होता है कि आप पास ये डिवाइस होनी चाहिए, मंत्रा या मोर्फो, तो फिर आप पैन कार्ड जो है वो एक घंटे में बना दोगे। और मैंने ये बना के दिया है बकायदा, मैं जानते हैं आप लोग कि मैं हर चीज़ का प्रूफ देता हूँ कि हाँ जेन्युइन, कि ऐसा नहीं है कि मतलब बोल दिया आपको समझा दिया, ऐसा नहीं है कुछ। मैं बकायदा भी आपको वीडियो पूरा इसका दिखाऊंगी, मैंने उनका पैन कार्ड अंगूठे से भरा था और फिंगर लगाया था उनका, और उनका पैन कार्ड जो था वो एक घंटे में, एक दो घंटे में उनका पैन कार्ड जो था वो जनरेट हो गया था अंगूठे से। और मैंने ये पूरा जो प्रोसेस किया है ये मैंने मंत्रा डिवाइस से किया है, ये मंत्रा जो होती है फिंगर वाली, इससे मैंने डिवाइस किया है, पूरा प्रोसेस किया है। तो कैसे बनाना है पैन कार्ड अंगूठे से, और NSDL UTI मैंने दोनों से ट्राई किया है, NSDL से भी किया है ट्राई, UTI से भी ट्राई किया है। मैं ये जो प्रोसेस बता रहा हूँ ये मैं UTI का बता रहा हूँ, और NSDL का भी सेम प्रोसेस होता है, मंत्रा से मैंने करा है। तो मैंने सोचा कि फिलहाल एक ही दिखाऊं, और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं NSDL का भी दिखाऊं अंगूठे से, तो आप कमेंट के जरिए या मुझसे पूछ सकते हो या बता दोगे, तो मैं उसका भी अपलोड कर दूंगा वीडियो। और फिलहाल अभी आपको बताता हूं कि पैन कार्ड कैसे बनता है अंगूठा लगा करके मंत्रा से, ठीक है? तो ये हमारा जो CSC का पोर्टल होता है आप लोग जानते हैं, यहाँ लॉगिन करके ऊपर वाला NSDL लिखना है, और ये पैन NSDL लिख करके ये क्या खुल गया, अरे ये नहीं लिखना है आपको, यहाँ पर लिखना है NSDL, ठीक है? NSDL लिखने के बाद यहाँ से आपका ये पूरा ऐसा पेज खुल जाएगा। अक्सर सर्वर डाउन होता है तो नहीं होता है, तो आप परेशान ना होइएगा। यहाँ पर आपको EKYC करना है, तो ये ध्यान रखिएगा, EKYC करेंगे तो ही ये ऑप्शन आएगा, वरना साइड वाले में आपको फोटो वगैरह अपलोड करनी होगी तो उसमें अलग प्रोसेस वो है, मैं बताऊंगा मैं क्या है वो। फिलहाल आपको EKYC करके और यहाँ से आपको फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी सब डाल करके आपको उसका कंटिन्यू करना है, जो सिंपल डिटेल्स हैं कस्टमर की, जो भी डिटेल्स हैं, ईमेल आईडी जो भी, यहाँ से आप उसका पूरा डाल देंगे, ठीक है? डालने के बाद आप .com करने के नीचे टिक लगाएंगे, टिक लगाने के बाद आप इसको कर देंगे सबमिट, ठीक? अब सबमिट करने के बाद आपकी ये कुछ ऐसी विंडो कट जाएगी, और इनके कटे हैं आपके 72 रुपये, तो ये मैं इसका यहाँ से पेमेंट करके इसका आगे बढ़ा दिया, ठीक? स्टेप बाय स्टेप पूरा आप देखिए कि कैसे भरा जाता है, क्योंकि थोड़ा सा अगर आप स्किप कर देंगे तो स्किप करने फिर ये होता है कि आप कमेंट करते हैं कि ये क्या होगा वो क्या होगा, फिर मैं आपको बताता हूँ कि भाई पूरा वीडियो देखो, तो स्किप करने से बेहतर यही है कि आप पूरा वीडियो देख लो, ठीक है? तो अब देखिए ये प्रोसेस, इसमें आप इसका आधार नंबर डालेंगे, फिर यहाँ पर जो भी इनका नाम है देख करके, ऊपर देखो लिखा हुआ है फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, थर्ड नेम, ये सब जो भी होता है ये सबको एकदम आँख खोल करके डालना आता है, क्योंकि ज़रा सा अगर गलती पैन कार्ड में हो जाती है, पहली चीज़ तो अगर गलती तुम कर दोगे तो फिर वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर तुम्हारी डिटेल्स आधार से मैच नहीं करेंगी तो फिर वो ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा। NSDL की ये बड़ी अच्छाई है, क्योंकि अगर जैसे ही आप कुछ करोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। बहरहाल सेकंड पेज देखिए आ गया, यहाँ पर आपका फादर्स नेम डालना है। अब फादर नेम में वही लास्ट नेम पहले और फर्स्ट नेम पहले, देखिए जो यहाँ पर मैंने करा, ठीक ये हो गया। दो बार यहाँ पर डालना पड़ता है सिंह और ये इनका जो नाम है पूरा, ठीक है? ये पूरा करने के बाद यहाँ से आप करके फादर नेम पर टिक करके आपने इसको नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर सिंपल आपको नो इनकम करना है, बाय डिफॉल्ट नो इनकम कर दिया, इसमें दिमाग मत लगाइएगा आप, सिंपल बस उसको नो इनकम करके इसको चुपचाप आप इसमें आ गए, यहाँ पर नेक्स्ट बढ़ जाइए। नेक्स्ट बढ़ जाएंगे फिर यहाँ पर आपको इंडियन सिटीजन पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको UP सेलेक्ट करना है, और फिर यहाँ से आपको जो सिटी है जो लखनऊ आपने सेलेक्ट कर लिया। अब नीचे पूरा चिट्ठा खुल गया, इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर लो, कोई भी सिलेक्ट कर लो, कुछ नहीं होता है, आप कोई सिलेक्ट कर लो, मैं सारे कर चुका हूँ,
1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे 10 घंटे लगते हैं, वो कुछ भी सिलेक्ट कर लो, ठीक है, रैंडम कोई भी सिलेक्ट कर लो, सबसे बनकर आ जाता है। ठीक है, फिर यहाँ करके आपने इसको सबमिट मार दिया, ये सरसरी तौर पे एक पूरा इसको चेक कर लो, मतलब तो पूरी डिटेल्स हैं जो, इसको एक बार पूरी चेक कर लियो, फिर यहाँ से आपने मार दिया कन्फर्म। अब देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, ओटीपी बेस और बायोमेट्रिक बेस। मैंने बायोमेट्रिक पर क्लिक किया और मेरे पास है मंत्रा डिवाइस, मैंने मंत्रा पर क्लिक किया और यहाँ मैंने वेट किया। ठीक है, पूरा अब यहाँ पूरा एक्चुअली वो रीड करता है, इनके यहाँ पर दिखाता नहीं है कुछ, पर वो रीड कर रहा होता है, डिटेक्ट कर रहा होता है। ठीक, देखिए ऊपर लिख कर आ गया, यहाँ से आपने जैसे ओके करेंगे वैसे ही आपका यहाँ पर मंथ में लाइट जल जाएगी और आपको कस्टमर का अंगूठा लगवाना है। और ये देखिए इनका अंगूठा लग गया। अब अंगूठा लगने के बाद बस आपको वेट करना है, बस कुछ करना नहीं है, ये करने के बाद अंगूठा लगने के बाद सबमिट करना है, और सबमिट पैसा खुल गया है। ठीक है, अब इसके बाद फिर से आपको यहाँ पर क्लिक करना है, फिर यहाँ से करने के बाद आपको इनका टिक लगा करके, इनका आधार नंबर डाल करके, मंत्रा पे क्लिक करके नीचे वाला आपको यहाँ से कैप्चर कर देना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर सिंपल डाल कर यहाँ से ओके कर देना है, ये देखिए कोने में लिख कर आ गया पुट योर फिंगर, फिर यहाँ से आपको पूरा करके, ये देखिए ऊपर से ये इनका हो गया, आपने इसको ओके करके सबमिट कर दिया और ये देखिए आपके यहाँ से ये खुलकर आ गया। ये ई साइन सक्सेसफुल, ये खुल कर आ गया और मेल पर भी आपके पूरा आ गया होगा, मेल आप चेक कर लिए और इसकी डेट देख लिया आपने, 17 तारीख का है। देखा आपने कैसे मैंने इनका पूरा प्रोसेस दिखाया, पूरा प्रोसीजर वही था जो होता है ओटीपी वाला होता है, वैसे ही एक ऑप्शन आया था ओटीपी बायोमेट्रिक, तो मैंने बायोमेट्रिक पे क्लिक किया और मंत्र जा करके इसको दिखाया, करने के बाद पूरा हो गया। एक दिक्कत इसमें ये भी आती है कि कुछ लोग का यहाँ पर शो नहीं करता है नॉट रेडी लिख कर आता है, कि लिख जब आप कर रहे होगे तो वहां लिख कर आ जाएगा नॉट रेडी। तो अगर नॉट रेडी वाली अगर आप में समस्या आ रही है कि नॉट रेडी लिख कर आ रहा है और आप नहीं कर पा रहे हो, तो वो भी मुझसे आप पूछ लेना, वो भी मैं आपको बता दूंगा। अगर आ रही है तो वैसे ज्यादातर लोगों में आती नहीं, क्योंकि लोग जब इसके ड्राइवर्स इंस्टॉल करते हैं तो सब ड्राइवर्स इंस्टॉल करते हैं। ये नॉट रेडी क्यों आता है, वो एक ड्राइवर सर्विस का मिस हो जाता है इसलिए नॉट रेडी लिख कर आता है। बहरहाल अगर आप लोग भी अंगूठे से, क्योंकि ये बहुत इजी चीज हो गई है भाई, ओटीपी है नहीं है, मोबाइल है नहीं, कोई मतलब नहीं, आप आइए अंगूठा लगाइए फट से आपका पैन कार्ड बन जाएगा, खलास, कोई मतलब नहीं ओटीपी से, है तो अच्छी बात है, क्योंकि ये पहले ऑप्शन नहीं था कि भैया पैन कार्ड में नंबर ही नंबर नहीं है तो बन नहीं पाएगा, तो आपको जो था मतलब फॉर्म भर करके साइन करके पूरा करवाना पड़ता था, पर अब वो भी समस्या खत्म हो गई है। सिंपल आप आइए अंगूठा लगवाइए और 1-2 घंटे में अपना पैन कार्ड ले जाइए, आप भी खुश, वो भी खुश, हम भी खुश, सब खुश। तो ये फिलहाल आज के लिए इतना काफी है, और पैन कार्ड इनका आ गया है 1 घंटे में, वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा कि इनका आ गया है, झूठ नहीं बोले हैं मैंने कि आप फोटो की जबरदस्ती बनाना तो अप्लाई करके दिखा दिए, लेकिन आया वो नहीं दिखाया, तो वो भी आ गया, वो मैं दिखा दे रहा अभी आपको, नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा मैं आपको। तो पसंद आई वीडियो तो इसको लोगों को शेयर करिए, लोगों को बताइए कि अब अंगूठे से भी पैन कार्ड बनना शुरू हो गया है जेन्युइन साइट से। ठीक है, तो मैंने ये भरा था 17 तारीख को भरा था, और मैंने भरा था ये 4:47 पे। देखिए इसमें ऊपर लिखा भी हो पूरा, ये जो इसका पूरा एक्नॉलेजमेंट नंबर है, और मैंने ये भरा था 17 तारीख को। ठीक, 17 तारीख को 4:47 पे, जो साफ साफ सामने आपके दिख रहा है। ठीक है, अब मुझे अपना मेल खोल के दिखाना है कि कब तक ये आया, देखिए 17 तारीख है, वही एक्नॉलेजमेंट नंबर है और ये मेरा आ गया है 2 घंटे के अंदर, ये देखिए 6:28 पे मेरा ये पैन कार्ड बनकर आ गया है, मतलब कि 4:47 पे भरा था और 6:28 पे आ गया है, 1.5 घंटे में मेरा पैन कार्ड भर के आ गया है। पैन कार्ड नंबर इनका मैंने छुपा दिया है, इतना समझदार आप लोग हैं, मैंने छुपा दिया है, ये पैन कार्ड है, ये भी पैन कार्ड खोलने की मुझे जरूरत नहीं है। तो मैंने अपना पॉइंट प्रूफ कर दिया है, अंगूठे से पैन कार्ड भी जो बन के आता है वो भी आपका 1-1.5 घंटे में बनकर आ जाता है। तो ये वाला काम जितना जल्दी हो आप लोग भी अपने सेंटर पर शुरू करो, और पैन कार्ड या कस्टमर जो है उसको वापस ना जाने दो, वो आता है बस मंत्रा या मॉर्फो डिवाइस रखो सेंटर पे अपने, और ये वाला काम जितनी हो सके जल्दी से शुरू करो और पैसा कमाओ।